यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लड्डू कितने दानेदार बने हुए हैं। बिल्कुल हलवाई स्टाइल में इसे बनाने का तरीका मैंने इस वीडियो में बताया है। इन लड्डुओं को बनाने में हलवाई लोग जिस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, वही ट्रिक आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इन लड्डुओं का एक एक दाना आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, है ना, कितना दानेदार लड्डू। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीक्षा और रेसिपी गाइड में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बेसन के लड्डू। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल बटन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में 2 कप बेसन डालेंगे। 2 कप बेसन के लिए आप घर की कोई भी कटोरी या फिर ग्लास ले सकते हैं। ये मेजरमेंट का बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पे कोई भी मेजरिंग कप का मैंने इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि कई बार ना मेजरिंग कप का मेजरमेंट कईयों को समझ में नहीं आता है और उससे जो हम सामग्री लेते हैं वो कम ज्यादा हो सकती है, और अगर चीजों का मेजरमेंट सही नहीं हुआ तो लड्डू हमारे परफेक्ट नहीं बनेंगे। इसलिए मैं आपको वीडियो में बहुत ही सिंपल कटोरी का नाप बताती हूँ ताकि आप इससे चीजों का सही मेजरमेंट कर पाए। तो चलिए, बेसन को हमने डाल दिया है, अब हम इसमें डालेंगे घी। अभी तक मैंने गैस को ऑन नहीं किया है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पिघला हुआ घी लिया है। अगर आप जमा हुआ घी लेते हैं तो उसको आधी कटोरी डालिएगा। क्योंकि मैंने यहाँ पर पिघला हुआ घी लिया है तो मैं इसमें 1 कटोरी डाल रही हूँ, और जिससे मैंने घी डाला है उसी कटोरी से मैंने बेसन को भी इसमें नापा था, यानी कि 2 कटोरी बेसन मैंने इसमें लिया था। तो घी और बेसन को हमें यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेना है, उसके बाद ही हम गैस को ऑन करेंगे। यूं तो बेसन के लड्डू बनाने के लिए मोटे वाले बेसन का इस्तेमाल होता है, लेकिन मैं यहाँ पर सिंपल वाला बेसन जो हम घर में रेगुलर इस्तेमाल करते हैं उसी वाले बेसन से ये लड्डू बना रही हूँ। इस बेसन से भी आप बहुत ही बढ़िया दानेदार लड्डू बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेसन और घी अच्छे से मिल चुके हैं, कहीं से भी बेसन हमें सूखा नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमने बेसन को अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम गैस को ऑन कर लेते हैं। गैस यहाँ पर हमें बिल्कुल धीमी रखनी है और धीमी धीमी आंच पर ही इस बेसन को हमें भून लेना है। धीमी आंच पर भूनने में इसमें काफी टाइम लग जाता है, पर लड्डुओं का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। कम से कम इसको 15 से 20 मिनट भूनने के लिए चाहिए होते हैं। काफी पेशेंस के साथ हमें इसको भूनना होता है जब तक कि इसमें से काफी अच्छी खुशबू ना आने लग जाए। करीब 10 मिनट हो चुके हैं इसको भूनते हुए, और अभी आप देख सकते हैं कि बेसन कितना हल्का हो चुका है और ये घी को भी छोड़ने लग रहा है। तो इसे हमें और 5 मिनट इसी तरह से भून लेना है। 5 मिनट भूनने के बाद अभी आप इसको देख सकते हैं कि बेसन ने सारे ही घी को अच्छे से रिलीज कर दिया है और इसमें से काफी अच्छी खुशबू भी आ रही है, और ये काफी पतला पतला सा दिखाई दे रहा है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये पानी। ये मैंने 3 चम्मच पानी लिया है, जिस चम्मच से हम खाना वगैरह खाते हैं ना, बस उसी चम्मच से ये 3 चम्मच पानी लिया है। और इसमें थोड़ा सा मैंने पीले रंग का फूड कलर मिलाया है, जिससे हमारे लड्डुओं को बहुत ही अच्छा कलर मिलेगा। और इसी ट्रिक से, यानी कि पानी डालने से ही हमारे बेसन में दाने दाने से पड़ जाएंगे और हमारा जो लड्डू है वो दानेदार बन जाएगा। तो इस पानी को इसमें डाल देते हैं और अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि बेसन का कलर भी काफी अच्छा दिखाई दे रहा है और इसमें दाने दाने से भी पड़ रहे हैं। ये ट्रिक बहुत जरूरी है परफेक्ट दानेदार लड्डू बनाने के लिए। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जरा सा भी पानी बाकी नहीं है, सारा पानी बेसन ने अच्छे से सोख लिया है। तो अब मैं इसमें थोड़ी सी बादाम की कतरन डाल देती हूँ। आप चाहे तो कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं, या अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो कोई जरूरी नहीं है, ये इसके बगैर भी काफी अच्छे लगते हैं। खुशबू और स्वाद के लिए थोड़ी सी इलायची पाउडर भी हम इसमें डाल देंगे। दोनों को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी आप चाहो तो इसे किसी प्लेट में ठंडा होने के लिए निकाल सकते हो, लेकिन मैं इसे इसी कढ़ाई में ठंडा होने के लिए रखूंगी। बीच बीच में मैं इसको 1-2 बार चलाते जाऊंगी ताकि ये नीचे से जले ना, क्योंकि कढ़ाई हमारी जो है गर्म रहेगी। 10 मिनट ठंडा होने के बाद आप इसको देख सकते हैं कि ये थोड़ा लिक्विडी सा दिख रहा है, तो इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1.5 कप यानी कि 1.5 कटोरी के करीब खांड मिला देंगे। ये देसी खांड मैंने यहाँ पर लिया हुआ है।
जो दानेदार मोटी मोटी सी खांड होती है ना, बस वही खांड मैंने यहाँ पर इस्तेमाल की है। अगर आप यहाँ पर खांड नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप यहाँ पर बूरा इस्तेमाल कर सकते हैं, तगार इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मिश्री को पीस कर भी आप इसमें डाल सकते हैं। खांड या बूरा मिलाते वक्त आपने एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि अगर आपका बेसन गर्म है तो इसमें कभी भी बूरा या खांड ना मिलाएं, क्योंकि गर्म बेसन में बूरा या खांड मिलाने से ये पानी छोड़ देगा, और अगर पानी छोड़ दिया तो उससे लड्डू जो है ठीक से बन नहीं पाएंगे। इसीलिए हमेशा ठंडे बेसन में ही बूरा या खांड मिलाएं। इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से बाइंड हो रहा है। तो अब हम इसके लड्डू बना लेते हैं। क्योंकि हमने इसमें बेसन और घी का परफेक्ट रेशो लिया है तो हमें लड्डू बनाने में कोई भी परेशानी इसमें नहीं आएगी। अगर आपका मिश्रण थोड़ा सा सूखा बन जाता है और लड्डू सही से नहीं बन पाते हैं तो आप थोड़े से घी को गर्म करके आप इसमें डालकर उसके लड्डू बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक लड्डू इस तरह से बना लिया है, लेकिन इसमें वो शाइन नहीं आई है जो हलवाइयों के लड्डुओं में आती है। तो इसके लिए हम इसको हाथों पे इस तरह से शेक कर लेंगे। ऐसा करने से इसमें बहुत ही अच्छी शाइन आ जाती है। तो अभी आप देख सकते हैं कि इस लड्डू में कितनी अच्छी शाइन आ गई है ये, और काफी अच्छा ये चमक रहा है। तो इसको हम अब एक प्लेट में रख देते हैं और इसी तरह से हम बाकी लड्डुओं को भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो सभी लड्डू यहाँ पर हमने बना लिए हैं। इतने सामान से हमारे 8 लड्डू यहाँ पर बनकर तैयार हुए हैं। यहाँ पर मैंने लड्डू थोड़े बड़े साइज के बनाए हैं। आप थोड़े छोटे साइज के बनाएंगे तो 12 से 14 लड्डू आप यहाँ पर बना सकते हैं। इसको थोड़ा सा और सजाएंगे तो मैं इसके ऊपर इस तरह की बादाम की कतरन लगा रही हूँ, और थोड़ी सी खांड भी हम इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे ताकि ये दिखने में और भी अच्छा लगे। तो हमारे बेसन के दानेदार लड्डू बनकर तैयार है। तो इन लड्डुओं को आप जरूर एक बार ट्राई करें और आपके लड्डू कैसे बने ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।